सबसे पहले बड़ी खबर और बड़ी खबर बड़ी चिंता को लेकर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार ने चेतावनी जारी की है। कोरोना से जंग में अगले 100 दिन काफी अहम साबित होने वाले हैं। अगले 100 दिन ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने कहा है साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कि अभी हार्ड इम्यूनिटी बनी नहीं है। लापरवाही बरते जाने पर कई देशों में तीसरी लहर आई है और ऐसा अपने देश में भी हो सकता है। लिहाजा जरूरत है आवश्यकता से अधिक सतर्क रहने की, सावधान रहने की। जब आप बाहर निकलते हैं तो सही तरीके से आपको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा और वैक्सीनेशन का हिस्सा भी बनना होगा। तीन तस्वीरें आपके सामने, थर्ड वेव का खतरा सामने है, तीसरी लहर की आशंका बलवती होती जा रही है। दुनिया के कई देशों में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। 125 दिन सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अपील भी की गई है कि अतिरिक्त सावधानी बरतें, अतिरिक्त सतर्कता बरतें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और साथ ही जैसे नंबर आ जाए वैक्सीन जरूर लगवाएं। पिछले चार दिनों के भीतर पीएम मोदी ने थर्ड वेव को लेकर दूसरी बार बैठक की। पीएम की चिंता इसलिए भी है क्योंकि देश में ठीक वैसे ही हालात बन चुके हैं जैसे दूसरी लहर के ठीक पहले बने थे। 6 राज्यों से 80% नए केस और 84% मौत का आंकड़ा पीएम मोदी की चिंता बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना का जो ढलान पिछले कुछ दिनों से दिख रहा था वो जल्द ही ऊपर चढ़ने वाला है। लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं। अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन हर घड़ी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को कैसे रोका जाए। दिल्ली में पीएम हर रोज राज्यों से इनपुट ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स के हर एक संकेतों को बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोरोना की तीसरी लहर की जहां कहीं से आने की संभावना हो उसे वक्त रहते खत्म किया जा सके। देश के अधिकांश राज्यों में केसेस की संख्या जिस तरह कम हुई थी उसने कुछ राहत साइकोलॉजिकली फील होता था, कुछ राहत महसूस हो रही थी। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पीएम मोदी जिन राज्यों को लेकर चिंता जता रहे हैं वो राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल। अब इन राज्यों को लेकर पीएम मोदी की चिंता की वजह समझिए। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 80% नए केस इन्हीं 6 राज्यों से आए। यही नहीं, पिछले एक हफ्ते में 84% कोरोना से मौत इन्हीं 6 राज्यों में हुई है। मतलब यह कि देश में कोरोना का ग्राफ हर रोज गिर रहा है, लेकिन इन 6 राज्यों में हालात अभी कंट्रोल से बाहर है। कैसे वो देखिए। 16 जुलाई शाम 5 बजे तक देश में कोरोना के कुल 4,30,422 एक्टिव केस रिकॉर्ड हुए। इनमें अकेले महाराष्ट्र में 1,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। केरल महाराष्ट्र से भी आगे है, यहाँ 1,19,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में फिलहाल 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में भी करीब 30,000 एक्टिव केस दर्ज हैं। 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस आंध्र प्रदेश में बने हुए हैं। ओडिशा में भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मतलब 4,30,000 एक्टिव केस में से 3,37,000 केस सिर्फ 6 राज्यों से आए हैं। कि ऐसे ही ट्रेंड
हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। मौजूदा स्थिति फिर से वैसी ही बन रही है जैसे कि देश में दूसरी लहर के शुरुआत के वक्त बनी थी। ये 23 फरवरी का डेटा है, मतलब कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले की स्थिति। तब देश में कुल 1,47,306 एक्टिव केस थे। इनमें से 90% एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। लेकिन इन 6 राज्यों में वायरस का संक्रमण पूरे देश तक फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ऐसी ही स्थिति आज की तारीख में बनी हुई है जब 80% एक्टिव केस सिर्फ 6 राज्यों से आए। मतलब हम तीसरी लहर के ठीक मुहाने पर खड़े हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी ओर चेतावनी दी है और ICMR ने भी कहा है कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में हिंदुस्तान में भी तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि तीसरी लहर को कम से कम 3 महीनों तक थाम लिया जाए, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए हो या अलग करेक्टिव मेजर्स से। आर नंबर को कम से कम रखा जाए क्योंकि आने वाले 3 महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। तब तक टीकाकरण को गति दी जा सकती है और जिस तरीके से मृत्यु दर दूसरी लहर में देखने को मिली, केस बढ़ते हुए नजर आए, कम से कम अगर 3 महीने बाद तीसरी लहर आती है तो वैसी स्थिति बनेगी नहीं। टीकाकरण अभियान अपना काम करेगा, वैक्सीन की डोज और प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्यों को 4T का फॉर्मूला दिया है। ये 4T हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और अगले 3 महीने में इसका नेक्स्ट टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। कवरेज बढ़ रहा है, प्रोडक्शन आ रही है, लग रही है, तो अगले 3-3.5 महीनों में ये काम जब आगे बढ़ जाएगा तो बहुत सारी जनता, हमारे देश के सारे पीपल ऑफ इंडिया विल बी प्रोटेक्टेड बाय वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीन। उस समय ऐसी वेव आनी, ऐसी आउटब्रेक आनी नहीं जो है वो और ज़्यादा वायरस के लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस बीच कोरोना का आर वैल्यू बढ़ना भी एक्सपर्ट की चिंता बढ़ा रहा है। आर वैल्यू मतलब वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कितनी तेजी से फैल रहा है। इस साल 9 मार्च से 11 अप्रैल के बीच भारत का आर वैल्यू 1.37 के शिखर पर था। तब ये कोरोना की दूसरी लहर की पीक थी। 11 मई के आसपास भारत का आर वैल्यू 0.98 पर आया था। यहीं से भारत में केस घटने शुरू हुए थे। 16 जून के आसपास आर वैल्यू सबसे निचले बिंदु 0.78 पर पहुंचा था। लेकिन 20 जून से 7 जुलाई के बीच देश का आर वैल्यू 0.78 से बढ़कर 0.88 हो गई, जो चिंता बढ़ा रही है। Just to give an example, if the current rate of decline continues and it doesn't increase or decrease, we will have, you know, slightly upwards of 3 lakh active cases all over India by 27th of this month. By contrast, if it had decreased at the rate of 0.78, which was the previous rate, then around the same date we would have less than 1.5 lakh active cases all over the country. So it's, you know, it's like a, it's, you know, the number of active cases is kind of double what it should have been had the previous rate of decline continued. लेकिन आम लोग इस खतरे को समझ नहीं पा रहे। टीवी और अखबारों में कोरोना के घटते केस को वो मौसम समाचार की तरह देखते हैं और उनकी बेफिक्री बढ़ जाती है। जिस कर्नाटक में कोरोना फिलहाल बेकाबू है
उसकी राजधानी बेंगलुरु में लोगों की बेफिक्री देखी। जब से अनलॉक शुरू हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है वो चिंता का विषय है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केआर मार्केट इलाके में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और किस तरह से सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही कई लोग जो है बिना मास्क पहने घूमते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने मास्क पहना भी है वो सही तरीके से नहीं पहना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। बेंगलुरु के बाद अब मुंबई की तस्वीर देखिए। शाम में 4 बजे के बाद सब कुछ बंद रखने का आदेश है, लेकिन लोग नियमों का ग्राउंड पर कितना पालन कर रहे हैं वो देखिए। 4 बजे के बाद मुंबई की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। जुहू बीच पर या तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर भीड़ भाड़ ना हो इसको लेकर पुलिस सतर्क है, लेकिन देखिए जुहू बीच के किनारे की ये तस्वीर और ये भीड़ भाड़, क्या इस भीड़ को देखकर आपको लगता है कि अब मुंबई के लोगों में कोरोना का डर बचा हुआ है? कि लोग कितने बेपरवाह पहले ही हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। मुंबई वालों की ये बेफिक्री ऐसे वक्त में है जब महाराष्ट्र के 10 जिलों में रिकॉर्ड पॉजिटिविटी रेट चल रहा है। नंदुरबार जिले में 11.72% यानी 100 लोगों में कोविड टेस्ट से 11 से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोल्हापुर में 9.85, सांगली में 9.2, सतारा में 8.23, रत्नागिरी और पुणे में 7% से ज्यादा पॉजिटिव रेट बनी हुई है। रायगढ़ में 6.98, सिंधुदुर्ग और औरंगाबाद में 5% से ऊपर और बीड में 4.64। अब सतारा से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ इंसान ही इंसान नजर आएंगे। बकरीद से पहले लोगों की ये भीड़ लोड़न बाजार समिति कैंपस में उमड़ी है। बाजार में बकरे की बिक्री शुरू हुई लेकिन विक्रेता और खरीदार की भीड़ के चलते ये मेले में तब्दील होने लगा है। महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु के हालात समझिए। तमिलनाडु भी उन 6 राज्यों में शामिल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लेकिन राजधानी चेन्नई से लोग कोरोना के खतरे को लेकर कितने गंभीर हैं अब वो भी देख लीजिए। कई सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने दी है। अगर तमिलनाडु सरकार की बात सुने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वे सामान्य तौर पर यहाँ पे पूरी तरह चालू हो चुकी है। लोग मास्क पहन जरूर रहे हैं, उनके मुँह पर लटक रहा है, मगर मास्क को कम्प्लीटली जैसे पहनना चाहिए वैसे नहीं, नाक को ढके बिना कई सारे लोग मास्क पहन रहे हैं। इसके कारण नंबर ऑफ केसेस आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना ज्यादा है। जो लोग कोरोना के कम होते केस को लापरवाही का परमिट मान रहे हैं उन्हें दुनिया के उन मुल्कों की स्थिति समझ लेनी चाहिए जहां 10-11 दिन में ही कोरोना काबू से बाहर हो गया। अमेरिका में 4 जुलाई को 12,000 से कुछ ज्यादा नए केस सामने आए। 10 जुलाई को ये महज 24,000 के पार हुआ और 15 जुलाई को 36,000 के पार, मतलब 11 दिन में केस 3 गुने हो गए। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी रहा। यहाँ 4 जुलाई को करीब 23,000 केस दर्ज हुए, 10 जुलाई को ये आंकड़ा 31,000 के पार हुआ और 15 जुलाई को 48,000 के पार, यानी 11 दिन में केस डबल हो गया। इंडोनेशिया में तो हालात और खराब है। यहाँ 4 जुलाई को 27,000 केस, 10 जुलाई को 35,000 के पार हुए और 15 जुलाई को केस 56,000 के पार पहुंच गए, मतलब 11 दिन में केस 2 गुने हो गए। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर गंभीर हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी को 2-2 बैठकें करनी पड़ी। अब बारी आपकी है, फैसला आपको करना है कि
कि आप कोरोना की तीसरी लहर को देश में बुलाएंगे या फिर वक्त रहते इस पर ब्रेक लगाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।